प्रदेश में आंधी बारिश के बाद अब गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। शनिवार को फलोदी और सीकर में बारिश हुई और राजसमंद में ओले गिरे हैं। ऐसे 15 शहरों में पारा 2 से 6 डिग्री नीचे आ गया है। इधर राजधानी जयपुर में तेज आंधी के साथ बारिश आई है। दूसरी तरफ बूंदी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी और बारिश का 12 से 14 मई तक अलर्ट है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 42 डिग्री रहने के आसार हैं। इधर जयपुर में आंधी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री से नीचे आया है। शनिवार रात आई आंधी बारिश से गर्मी से राहत मिली है। फलौदी सीकर में बारिश और राजसमंद में ओले गिरे हैं। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 मई से 14 मई तक आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 42 डिग्री तक रहने के आसार हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ लाइव जुड़ गए हैं। दशरथ, आपसे समझना चाहेंगे कि मौसम का मिजाज राजस्थान में कैसा है। देखिए, मौसम की अगर बात करें तो कल देर रात शनिवार रात को देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में मौसम का जो मिजाज है वो बदला और खास तौर पे राजस्थान के कई शहरों के अंदर अंधड़ और बारिश का दौर शुरू हुआ। खासकर सीकर और पाली से कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, जबकि राजसमंद के अंदर ओले गिरे। प्रदेश के करीब 8 से 10 शहरों के अंदर ओले और आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर ये जो गिरावट है ये 5 से 6 डिग्री तापमान की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 1-2 दिन यानी कि 12 से 14 तारीख तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रह सकता है, यानी कि आंधी बारिश हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे तापमान जो है वो 40 डिग्री के आसपास अलग अलग शहर हैं या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का रह सकता है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। और दूसरी तरफ आंधी बारिश की वजह से जो तापमान गिरा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है, क्योंकि रात को जैसे ही अंधड़ बारिश का दौर चला उसके बाद रात को जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 38 से 40 डिग्री के आसपास था। तो निश्चित तौर पे आने वाले 1-2 दिन में इसी तरह का तापमान रहने के आसार है। जी डॉक्टर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो बारिश हुई है ये आम जनता के लिहाज से और किसानों के लिहाज से किस तरीके से फर्क डालेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचता देखा जाता है जब इस तरीके की बारिश और आंधी आती है। दशरथ, देखिए, निश्चित तौर पे आमजन के लिए राहत इसको जरूर कहेंगे, क्योंकि तापमान में जब गिरावट होगी तो राहत मिलेगी। लेकिन किसानों के लिहाज से अगर बात करें तो किसानों के लिए इस मौसम में जो बारिश अंधड़ आता है वो आफत लेकर आता है। खास तौर पे रबी की फसल की इस वक्त कटाई चल रही है और रबी की फसल की जो कई फसलें बाजार में आनी बाकी है, जो कटाई जब चल रही है और बारिश और अंधड़ आता है तो निश्चित तौर पे फसलों को नुकसान होता है। और प्रदेश के कई हिस्सों से इस तरह की खबर भी है। खासतौर पे गंगानगर की अगर बात करें तो गंगानगर के अंदर जो कृषि उपज मंडी है उसके अंदर भी जो बड़ी मात्रा में गेहूं रखा गया था वहां पर जब बारिश आई तो उसको भी नुकसान पहुंचा। तो निश्चित तौर पे किसानों के लिए ये चैलेंजिंग रहता है और आफत होती है। लेकिन प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो जून के अंदर मौसम यहाँ कह सकते हैं तापमान जब नीचे आता है, खासतौर पे जब मॉनसून शुरू होता है, बारिश का दौर शुरू होता है, उसके पहले ये मई का माह है, तो मई के माह में भी इस तरह की चीजें हर साल होती हैं, अंधड़ बारिश होती है और प्री मानसून के तौर पर कई कई जगह बरसात भी होती है। तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आमजन के लिए गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए आफत भी कई बार ये बारिश और अंधड़ साबित होती है, उनकी फसलें भी इससे नुकसान होती है। दशरथ, क्या इसे क्षणिक राहत माना जाए, क्योंकि
बारिश के बाद जो उमस आती है वो अपने आप में ही बहुत खराब साबित होती है, कई बार बीमारियों को भी ये दावत देती है। मौसम विभाग का क्या कहना है दशरथ? देखिए, निश्चित तौर पे बारिश होती है और उसके बाद उमस होती है, उमस के साथ ही टेम्परेचर में फिर बढ़ोतरी होती है। और जहाँ तक मौसम विभाग का मानना है तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आगामी 2-3 दिन तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश या अंधड़ चल सकता है। अगर ये आता तो तापमान में निश्चित तौर पर गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन उसके बाद यानी कि 15 तारीख के बाद में एक बार फिर जो टेम्परेचर है वो गति पकड़ेगा, यानी कि सूर्यदेव का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा। और सूर्यदेव का प्रकोप जो बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। और राजस्थान में खासकर गर्मी के मौसम के अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है, खासकर चूरू की बात करें या बीकानेर की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये कई इलाके ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर जो है वो 48 के पार भी पहुंचता है। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त के अंदर गर्मी तेवर और दिखा सकती है। बहरहाल 2-3 दिन इसी तरह का मौसम रहने के आसार मौसम विभाग की तरफ से बताए गए हैं। दशरथ, जब तापमान बढ़ता है उस वक्त के लिए क्या एडवाइजरी जारी की जाती है आम जनता के लिए, पर्यटकों के लिए और खासकर मरीजों के लिए? तापमान बढ़ता और खासकर गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है तो डॉक्टर के लिहाज से अगर बात करें तो डॉक्टर से ये कहते हैं कि कम से कम वो गर्मी में बाहर निकले, और निकले तो सिर ढककर निकले या छाते का उपयोग करें, साथ ही तरल पदार्थ वो लें, यानी कि जितना वो लिक्विड लेंगे उससे कहीं ना कहीं उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये मौसम विभाग के साथ जो तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, उसके बाद डॉक्टर्स हैं उनकी राय होती है। जबकि मौसम विभाग का ये मानना है कि कई बार जो अलर्ट जारी मौसम विभाग की तरफ से किया जाता है ताकि एक मैसेज कन्वे हो सके आम जनता कि प्रदेश में इस तरह के हालात रहने वाले हैं या इस तरह का मौसम रहने वाला है, तो वो कहीं जाए या कह सकते हैं कोई ट्रैवल करे तो वो तमाम चीजें अपने साथ लेकर चले ताकि गर्मी से उसको निजात मिले। बहरहाल 1-2 दिन मौसम इसी तरह का रहने के आसार है और उसके बाद एक बार फिर तापमान जोर पकड़ेगा, यानी कि गर्मी का जो सितम है वो एक बार फिर उभरेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आपको बताते चले कि राजस्थान में मौसम ने करवट बदली है, हालांकि बारिश तो देखी गई है लेकिन कहीं ना कहीं ये तापमान बढ़ा जरूर सकती है, क्योंकि बारिश के बाद जो उमस आती है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है।